सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन जरूर दबाइए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक हिलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ कि हाथ में किस तरह की रेखाओं को देखकर आप पहचानेंगे कि यह इंजीनियर बनने की रेखा है या वैज्ञानिक बनने की रेखा है या सिर्फ मैकेनिक बनने की रेखा है, क्योंकि इंजीनियरिंग और उसके ऊपर शोध यानी रिसर्च एक व्यक्ति को वैज्ञानिक बनाता है। वैज्ञानिक जो है वो आविष्कार करता है, टेक्नोलॉजी के सहायता से टेक्नोलॉजी को और भी ज़्यादा उन्नत करता है, और एक मैकेनिक जो है उस टेक्नोलॉजी को मेंटेन रखता है। तो इसलिए ये तीनों का कनेक्शन बहुत ही एक जैसा सिमिलर होता है। तो सबसे पहले ये भाग्य, माफ कीजिएगा, तो सबसे पहले हृदय रेखा, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा। अगर हथेली में भाग्य रेखा बिल्कुल निर्दोष हो और शनि का पर्वत जो है ये काफ़ी उभार लिया और उन्नत हो, और साथ में बुध के पर्वत में इस तरह की तीन रेखाएं हों या बुध की कोई रेखा भाग्य रेखा से निकलते हुए ऊपर जाए, तो ऐसा व्यक्ति सफल वैज्ञानिक होता है। ऐसे लोग किसी भी चीज़ पे काफ़ी गहनता से शोध करते हैं और नई चीज़ों का आविष्कार करते हैं। अगर इसके साथ बृहस्पति का पर्वत उन्नत हो तो ऐसे लोग उस आविष्कार को लोक हित में भी लगाते हैं, या फिर एक तरह से कह लीजिए कि अपनी भावी पीढ़ी या नेक्स्ट जनरेशन को इस ज्ञान को ये फॉरवर्ड करते हैं या उसको हस्तांतरित करते हैं। अगर बृहस्पति का पर्वत नीचा हो, इस ओर नीचा हो या दबा हुआ हो, और साथ में चंद्र पर्वत की स्थिति काफ़ी उन्नत हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है जल से संबंधित इंजीनियरिंग को करता है, यानी कि कुछ टेक्नोलॉजीज़ जो पानी के ऊपर विकसित की जाती हैं ऐसी टेक्नोलॉजीज़ पे काम करता है। इसी प्रकार अगर मस्तिष्क रेखा बिल्कुल उन्नत हो, स्पष्ट हो और बिल्कुल दोषहीन हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है सफल एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के ऊपर अपनी दक्षता हासिल करता है। अगर इसी के साथ साथ बाह्य मंगल की स्थिति उन्नत हो या अंदरूनी मंगल की स्थिति भी काफ़ी उन्नत हो और कोई रेखा इस तरह से निकल के शनि पर्वत पे कनेक्ट हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है सिविल इंजीनियरिंग में दक्ष होता है। शुक्र की पर्वत की स्थिति अगर बहुत ही उन्नत हो और इससे कोई रेखा आकर शनि पर्वत की ओर जाए, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग में दक्ष होता है। तो आप भी देखिए कि अगर आपके हाथ में इस तरह की कोई रेखाएं बनती है या नहीं। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें ताकि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।